सो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का स्टूडेंट फरमाइश के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स बोल सकते हैं। प्रोटोकॉल्स होता क्या है, पूरी स्टार्टिंग से मैं डिस्कस करूँगा प्रोटोकॉल्स, उसके टाइप्स क्या क्या होने चाहिए प्रोटोकॉल्स के अंदर। बट बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल पार्ट, आप सभी को पता है स्टूडेंट फरमाइश की खुद की टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है, जिसकी कॉस्टिंग बस 399 रुपीज़ है। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ कमाना नहीं है, बल्कि उन टैलेंट तक पहुंचना है जो एक अच्छे क्वालिटी कंटेंट्स के गाइडेंस के बिना, जिन्हें अच्छे क्वालिटी कंटेंट्स नहीं मिले और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। दोस्तों, सो बिल्कुल जाइए और इसे अवेल करने की कोशिश कीजिए, जिसमें 600 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे और जिसकी कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ 399 यानी 400 रुपीज़ है, यानी नियर अबाउट 65 पैसे पर टेस्ट सीरीज। सो प्रोसीड करते हैं दोस्तों प्रोटोकॉल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोटोकॉल्स होता क्या है। जैसा कि आपको पता है, अगर एक इसे कॉमन टर्म में देखा जाए प्रोटोकॉल्स, तो हम हमेशा बोलते हैं कि रूल्स और प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। यानी हर एक कंपनी जो बनती है, हर एक जो एक हम परफॉर्मेंस सेट करते हैं, जो भी हमने बनाए, उसमें एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपके घर में कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे कि मॉर्निंग 6 AM उठना है और रात के 11 बजे से पहले सो जाना है, तो दीज आर द सेट्स ऑफ रूल्स टू विच यू हैव टू फॉलो। मीन्स घर का हर एक मेंबर ये रूल्स को फॉलो करेगा। अगर आपको डेली 2 आवर की एक्सरसाइज आपके रूल्स प्रोटोकॉल्स में है, तो वो आपको फॉलो करना होगा। इन ए सिमिलर वे, जब भी हमारा कंप्यूटर चलता है, बात आती है प्रोटोकॉल्स होता क्या है, तो प्रोटोकॉल्स हमेशा नेटवर्किंग में की जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल्स करने का मकसद क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जो नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, हमेशा लगता है कि एक बहुत ईजी है, बट आप याद रखो, आप एक यूज़र हो, उसके बाद वो नेटवर्क आपने सर्च किए, फिर एक कंपनी का नेट आता है जिसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, फिर वो वेबसाइट्स पे जाते हैं, फिर वो एंड यूज़ की तरफ जाता है, फिर आपको वो सारे के सारे चीज़ें दिखती हैं। तो एक सेट्स ऑफ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस उसमें होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं जिसके थ्रू आपको वो डेटा फाइनली सर्चिंग में आती है। अगर मैं बात करता हूँ प्रोटोकॉल्स होता क्या है, तो इट इज़ अ डिजिटल लैंग्वेज थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद अदर्स ऑन अ इंटरनेट। बहुत बार हम फेसबुक वगैरह पे फेसबुक यूज़ करते हैं और हम एक दूसरे से हम बात कर पाते हैं, फिर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक एक प्रोटोकॉल से जस्ट लाइक ए मीडियम बाय विच वी कैन कनेक्टेड टू वन अनदर पर्सन्स। सो ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो रूल्स और रेगुलेशंस है, वो इम्प्लीमेंटेड ऑन द बोथ एंड ऑफ कम्युनिकेशंस, दोनों की तरफ होनी चाहिए। और इन्हीं रूल्स को अडॉप्ट करने के बाद जो दो डिवाइसेस है, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ईच अदर से और वे अपनी इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर आप किसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते हो, तो आप कोई भी दो डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको बोल रहा हूँ, यूट्यूब से आप सुन रहे हो, मीन्स आपका डिवाइस और मेरा डिवाइस जो मीडियम है, वो एक प्रोटोकॉल्स के थ्रू कनेक्टेड है। दोस्तों, बात करूंगा मैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल की, TCP। हम बार बार नाम सुनते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए, इसके नाम में क्या लगा हुआ, ट्रांसमिशन, हमेशा याद रखना है। ट्रांसमिशन होता क्या है, मीन्स एक जस्ट लाइक मैं यहाँ पे नागपुर में अपने वॉइस को दे रहा हूँ, और इट इज़ ए ट्रांसमिटेड फ्रॉम नागपुर टू यू, और वी कैन से दैट द सेवरल पार्ट ऑफ द नेशन विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। आपको ये चीज़ें बहुत ईजी लग रही होगी कि एक यूट्यूब के थ्रू मेरी आवाज़ जो है नागपुर से बहुत सारे आप लोग डिफरेंट जगह पे होंगे, वहाँ पे आपको मिल रही होंगे। बट दिस ऑल आर डन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यानी एक ऐसा प्रोटोकॉल भी होता है जो ट्रांसमिशन को करता है, कि आप बहुत ध्यान से समझो, मेरी जो वॉइस है वो ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। मैं यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड करके भेजूंगा, वो अपलोड किया जाएगा, साथ में आप उसे सुनोगे। तो क्या होता है कि एक ऐसा प्रोटोकॉल जो हेल्प करता है हमें कम्युनिकेशन करने के लिए ओवर अ नेटवर्क, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। इसमें क्या होता है कि कभी भी जो डेटा को होता है छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, तो ये बात आप याद रखना, डेटा इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स, और वो पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है। और IP फिर हम यूज़ करते हैं। IP क्या होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी आप जो भी डेटा, लाइक मैंने यहाँ पे एक 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया, तो ये 10 मिनट को वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और इंटरनेट्स के थ्रू क्या किया जाएगा, एक सेट ऑफ इंटरनेट्स के थ्रू उन्हें ट्रांसमिट किया जाएगा। और साथ में एक इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होगा जिसके थ्रू आप वो वीडियो को फिर से एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। IP इज़ ऑल्सो वर्किंग विथ TCP। तो जब भी हम जनरली हम देखते हैं, तो हम इस तरह के देखते हैं TCP IP प्रोटोकॉल, मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल।
तो आईपी क्या होता है, एक एड्रेसिंग पैकेट होता है, यानी अगर कोई भी मैंने डेटा दिया तो उसका एक फिक्स एड्रेस होना चाहिए। जैसा आपने डेटा, जो मेरा डेटा गया यहाँ से वीडियो, तो आप जब जाओगे स्टूडेंट फरमाइश www.youtube.com/studentfarmayish पे जाओगे, वहाँ पे फिर मेरे वीडियो के एक लास्ट में कुछ डिजिट और जो डेटा कुछ वर्ड्स गिवन रहते हैं वो डेटा पे आप जाओगे तो मेरा वीडियो खुलेगा। मीन्स क्या हुआ कि जो मैंने ट्रांसमिशन तो हो गया, बट इंटरनेट प्रोटोकॉल से क्या होता है कि हर एक वीडियो की एक स्पेसिफिक क्या रहती है कि उसकी एड्रेस गिवन रहती है। मीन्स क्या हुआ कि आपको, अगर आपको जब तक एक एड्रेस नहीं दिया जाएगा तो आप उसके जगह तक नहीं पहुंच पाओगे, यानी अगर आपने उस एड्रेस पे नहीं किया तो इट कैन नॉट बी रीचेज इन अ राइट डेस्टिनेशन। मीन्स बिना प्रोटोकॉल्स के उसे डेस्टिनेशन पे आप नहीं पहुंच सकते हो। तो आप ध्यान रखना, टीसीपी में आप क्या करते हैं, स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करते हो। आईपी क्या करता है कि जो पैकेट्स है उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करता है। मीन्स टीसीपी आईपी हम इसलिए हमेशा यूज़ करते हैं, साथ में वर्ड यूज़ होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन होने के बाद उसका एक फिक्स एड्रेस होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो वॉइस या फिर कोई भी डेटा ट्रांसमिट भी होना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब जब भी हम आईपी देखते हैं तो ये आपको आईपी के मैं कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए आईपी और आईपी में हम आप जनरली अगर आपने एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ करते हो, और शायद 90% लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते होंगे, तो मुझे ये नहीं पता कि कितने लोगों ने ये चीज़ों को नोटिस किया होगा। जब भी आप जाते होंगे तो सेटिंग में, जब आप जाते होगे, जब आप नेटवर्क सेटिंग करते हो, अगर आपने नहीं नोटिस किया तो एक बार जाके करना, तो वहाँ पे एक i4 v4 रहता है, i4 और IPv6 रहता है। बहुत बार आप ध्यान से देखना, i4 भी रहता है और i6 भी रहता है, और i4/i6 रहता है। देखिए अब यहाँ से क्या पता चलता है कि सिंपल सा बात है, v4 इज़ जस्ट लाइक ए वर्जन नंबर 4। ये फोर्थ वर्जन था जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, ये आईपी प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता था, और v6 जो है कि एक लेटेस्ट वर्जन है, वी कैन से दैट कि v6 एक द सिक्स नंबर वर्जन है जो हम आज यूज़ तो करते हैं, बट पूरा उतने तरीके से हम हर जगह यूज़ नहीं कर पाते। कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बेस्ट एग्जांपल आपको शायद समझ जाएगा नेटवर्किंग के थ्रू, कि 2G आया, 3G आया, 4G आया, तो हम LTE बोलते हैं, जिस 4G जो रहता है। तो आपको ध्यान से देखना, जब भी हम कनेक्शन मोबाइल में जब हम जाते हैं नेटवर्किंग सेटिंग में, तो ऐसा 2G रहता है, फिर 3G रहता है, फिर VoLTE रहता है, VoLTE और LTE रहता है। इसमें हम कनेक्शंस करते हैं, और हम मैक्सिमम जगह क्या होता है कि कहीं कहीं पे हमारा जो कनेक्शन होता है, आप एक पर्टिकुलर 4G पे करते हो तो नेटवर्क नहीं दिखाता है, तो आप उसे कनेक्शन को ऐसा रखते हो 4G/3G/2G, यानी 4G आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो 3G पे ही चलेगा मोबाइल। मीन्स सेम लाइक दैट IP4 IP6 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि अगर आपको IP6 की कवरेज मिल रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको एडवांस वहाँ पे प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर प्रोटोकॉल्स जो है 6 वर्जन का मिल रहा है, जो एक अच्छा है, फास्ट है, जो एड्रेसिंग आपको और क्लियर होगा। अगर आपको IP6 नहीं मिला तो स्लैश करते हो IP4, यानी फोर्थ जनरेशन से ही आप काम चलाते हो दोस्तों। तो ध्यान रखना होगा कि IP4 जो है, हेडर मिनिमम 20 ऑक्टेट्स यानी 160 बिट की होती है IP4। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि जो IP4 रहती है वो 160 बिट्स की होती है। अब अगर मैं IP6 की बात करता हूँ तो IP6 जो है 128 बिट्स की होती है, और 32 बिट की होती है V4, यानी जो वर्जन 4 था वो 32 बिट की थी, और V6 जो था वो 128 बिट्स की है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। IP6 में एक IP वर्जन 6 में क्या है, अगर देखा जाए तो सिंपल वे से वी कैन से दैट कि स्पीड्स ज़्यादा रहेंगी। देखिए थोड़ा सा हम इसको एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, शायद आपको लग रहा होगा प्रोटोकॉल्स के लेक्चर में हम IP4 IP6 क्या डिस्कस करने लगे, बट ये एक प्रोवाइडर जस्ट लाइक IP6 मीन्स इंटरनेट प्रोवाइडर 6 वर्जन। अगर वर्जन बढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अगर जनरेशन या फिर वर्जन्स बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा। अब मैं इसकी बात इसलिए कर रहा था क्योंकि बहुत बार आपके मोबाइल में आप देखना सेम लिखा रहता है IPv6 और /IPv4 रहता है। आपको यहाँ पे जो भी हम लोकेटर रहता है एक बताता है कि अगर 6 वर्जन अवेलेबल नहीं है तो 4th यूज़ कर लो। मीन्स इट्स सिमिलर लाइक दैट कि अगर 4G का नेटवर्क नहीं है तो 3G यूज़ कर लो, 3G नहीं है तो 2G ही यूज़ कर लो, बट नेटवर्क लेस मत दिखाओ। तो ये IP6 और IP4 था। अगर मैं बात करूँ TCP की, अगेन TCP क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स है, जो एंड टू एंड प्रोटोकॉल होता है। और आपको ध्यान रखना है, एंड टू एंड प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको ट्रांसमिशन करना है तो आपको एक होम चाहिए और एक डेस्टिनेशन चाहिए, मीन्स दोनों एंड आपके पास होने चाहिए। कहाँ से ट्रांसमिट करना और कहाँ करना है ये होना बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना होगा।
तो ये चीज़ें आपको आपको जो डेटा जो यहाँ पे गिवन आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। सिमिलर वे से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब आगे क्या यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स, यानी जरूरी नहीं कि आपने ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल बना लिए, इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल बना लिए, फिर आपको यूज़र के लिए भी प्रोटोकॉल्स बनाना होगा। मीन सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी फॉर यूजर्स, कि अगर यूज़र उसे यूज़ कर रहा है दोस्तों तो जो एक प्रोटोकॉल्स हम बनाते हैं वी कैन से दैट एक ऐसा डाटाबेस या फिर डेटाग्राम बनाते हैं जिसमें वो सारे सेट्स ऑफ रूल्स रेगुलेशन गिवन रहता है जो यूज़र के लिए रहता है कि यूज़र को क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, तो उसके लिए हम UDP करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। अब अगर मैं आगे ध्यान से अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने बहुत सारे चीज़ें देखा होगा, मैं आपको बताऊँगा। जैसे आपने एक नोटिस किया होगा कि जब भी हम वेबसाइट खोलते हैं तो HTTP रहता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP रहता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखिए इसके नाम से ही क्या लग रहा है कि अगर अलग अलग मैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की बात करता हूँ तो इंटरनेट प्रोटोकॉल से सबसे पहला आता है ईमेल। हालांकि ईमेल को एक प्रोटोकॉल्स की कैटेगरी में रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, क्योंकि ईमेल इज़ जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। बस ईमेल में एक एडवांटेज क्या है कि प्रोटोकॉल्स में क्या रहता है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में क्या रहता है, एक एड्रेस रहता है। तो ईमेल्स में एक एड्रेस देते हैं फ्रॉम मी आशुतोष तिवारी टू अ स्टूडेंट फरमाइश। तो फ्रॉम मेरे से एड्रेस गया और वो स्टूडेंट फरमाइश को फॉरवर्ड हुआ। मीन्स वी कैन से दैट कि TCP भी है, अगर मैंने कोई चीज़ भेजा तो मैंने उसे ट्रांसमिशन पाथ प्रोवाइड किया। IP भी दिया मैंने इंटरनेट प्रोवाइडर के लिए, फ्रॉम से टू को दिया मैंने, डिस्टिंक्शन भी दिया। सो ईमेल को भी हम बोल सकते हैं प्रोटोकॉल्स की कैटेगरी में। सेम वे से FTP जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, इसका बस काम क्या रहता है कि कोई फाइल्स, छोटे फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो इसमें। HTTP है जो वर्ल्ड वाइड वेब है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, एक पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं ईमेल्स की बात करता हूँ एक बार फिर से देख लो, तो ईमेल्स में ये बात देखो, यहाँ पे जो छोटे छोटे जो एब्रिविएशन है ये बात आप इनको मिस नहीं करना। लाइक यहाँ पे SMPT है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ईमेल के तीन टाइप्स होते हैं, तीन डिस्टिंक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं। पहला क्या है, SMPT मीन सिंपल मेल को वो ट्रांसफ़र करेगा। दूसरा IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मैसेज के साथ करेगा ना। POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। SMPT मींस क्या था कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स इज़ यूज टू ओनली सेंडिंग मेल्स, वाल IMAP लाइक इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल्स एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स 3 आर यूज टू रिसीविंग। ये चीज़ें आपको बहुत बेसिक एब्रिविएशन है जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। नाउ सेम वे से अगर मैं जाऊँ तो FTP इज जस्ट लाइक एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, मीन ट्रांसफरिंग ए फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अगर आपको एक कंप्यूटर से किसी फाइल को दूसरे में सेंड करना होगा तो आप FTP को यूज़ करोगे, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, फाइल्स प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि कैसे आप फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर करोगे। तो हम एक एड्रेस बार प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट में, और दूसरे में भी हम वही एड्रेस बार को कॉपी करते हैं। तो इस तरीके से इन दैट वे वो जो चीज़ें रहती है वो पहले कंप्यूटर से दूसरे में एक्सेस होती है। या फिर बहुत बार हम देखते होंगे कि जो हमने एक टोपोलॉजी का लेक्चर देखे तो उसमें हम एक सेंट्रल कंप्यूटर हब देखे थे जिसके थ्रू क्या था कि एक डेटा को सारे लोग एक्सेस कर सकते थे। दिस ऑल आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ FTP। आपने एक FTP के क्या किए कि एक क्लोज सर्वर बना दिए जहाँ उसकी कुछ एक्सेस पॉइंट्स रहेंगे जो आपने बचे हुए जो 6-7 इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स उन्हें प्रोवाइड कर दिए, और विद द हेल्प ऑफ दैट एड्रेस दे कैन एक्सेस द ऑल द डेटा। HTTP सिमिलर वे से आप सबको पता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका मेन मकसद क्या होता है कि वो ब्राउजर को अलाउ करता है कि वो वेब पेज को दिखा सके। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा प्रोटोकॉल्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि वी कैन से दैट कि कौन सा प्रोटोकॉल्स है जो ब्राउजर्स को अलाउ करते हैं कि वो वेब पेज को दिखा सके। दैट इज़ द HTTP जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप कोई भी एड्रेस देखते होगे तो ऐसा लिखा रहता होगा http://www.youtube.com, यानी वो एक वी कैन से दैट कि यूट्यूब को ये बता रहा है कि आप उसके वेब पेज को ओपन करो। अगर हमारा गलती से https नहीं रहता है, http और https में डिफरेंस क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो http इज़ जस्ट लाइक एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और बहुत बार आप देखते होंगे https रहता है, s इज़ ओनली फॉर सिक्योर, यानी जो भी आप कनेक्शन यूज़ कर रहे हो, जो आप पेज यूज़ करने जा रहे हो दैट इज़ अ सिक्योर, मीन्स वहाँ से कैसी और वी कैन से दैट वायरस आने के चांसेस नहीं है। बहुत बार हम जब वेबसाइट्स खोलते हैं तो लिखता है कि दिस पेज इज़ नॉट सिक्योर्ड, और उसके लिए आपको एडवांस सेटिंग करना होगा। तो आप फिर नीचे लिखते हो कि ओके गो प्रोसीड थ्रू द अनसिक्योर्ड वेबसाइट, तो वहाँ पे एस नहीं लगा रहा था वेबसाइट्स पे।
मीन यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि थोड़े बहुत कैसे वी कैन से दैट और वायरस और अदर टाइप ऑफ डैमेजिंग सॉफ्टवेयर हमें मिल सकते हैं, बट गारंटी नहीं कि हर बार हमें मिले ही। तो ये HTTP और HTTPS में जो डिफरेंट रहता है आपको ध्यान रखना होगा। नाउ सेम वे से SMPT क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ईमेल के अंदर ही आता है, जिसमें हम ट्रांसमिशन करते हैं आउटगोइंग मेल्स को, लाइक ओवर इंटरनेट सम मेल्स को भेजे तो SMPT के थ्रू जाता है। नाउ सेम वे से अगर मैं बात करता हूँ इथरनेट और टेलीनेट, ये भी एक जस्ट लाइक एक वी कैन से दैट इथरनेट सिमिलर वर्ड्स है, लाइक वी कैन से दैट कि एक इंटरनेट के जैसा ही साउंडिंग करने वाला वर्ड है। तो इथरनेट का भी देखिए काम क्या होता है कि जो इंटरनेट्स में क्या होता है, डेटा वगैरह को आप या फिर फाइल्स को आप ट्रांसमिट करते हो, तो सेम वे से अगर लैन कम्युनिकेशन है, मीन्स छोटा कम्युनिकेशन है, लोकल एरिया नेटवर्क पे है, तो आप इंटरनेट के थ्रू भी अपने डेटा को डिजिटली पैकेट्स के फॉर्म में तोड़ तोड़ के उन्हें आप क्या कर सकते हो कि फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर आप उन्हें भेज सकते हो। सेम वे से टेलीनेट्स जो हैं, ये भी एक वैसा ही चीज़ है, जस्ट लाइक टू कनेक्टिंग कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर यूज टू रिमोट लॉग इन प्रोसेस, है ना। मीन्स एक जस्ट लाइक वी कैन से दैट टू इथरनेट और टेलीनेट्स जो है वो एक लोकल लेवल पर हम यूज़ करते हैं डेटा को सेंडिंग करने के लिए। अगर इंटरनेट की मैं बात करूँ तो इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ पे यूज़ होता है। और ये गोफर्स बहुत बार हमें पूछे जाते हैं कि ये गोफर्स क्या होता है, तो आप गोफर्स को ध्यान रखना, ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स होता है विच इज़ यूज टू सर्चिंग एंड रिट्राइविंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम रिमोट साइट्स। यानी अगर आपको कोई भी वेबसाइट से डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी डेटा को अगर आपको सर्च करना है तो हम गोफर्स यूज़ करते हैं, GOPHERS। तो बहुत बार हमें पूछा जाता है कि वो कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं जिन्हें हम, अगर हमें कुछ सर्च करना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करना है किसी एक रिमोट साइट से, तो हम कैसे उसे रिट्रीव करेंगे, तो वी कैन यूज़ इट बाई गोफर्स। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और मैंने एक कोशिश किया कि एक प्रोटोकॉल्स के ऊपर आपको एक ब्रीफ जानकारी दी जाए। हालांकि ये जानकारी सफिशियंट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसी के अंदर से सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट मेरा मकसद क्या है दोस्तों कि एक मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ पहले। इसके पीछे रीजंस क्या है कि अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है कि हाँ आपको पता है कि TCP/IP प्रोटोकॉल होता है, तो जब मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा 200, 300, 400 क्वेश्चंस, तो उसमें अगर मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे, वहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आपने इसका नाम ही नहीं सुना है। मीन्स आपको ये रियलाइज़ होगा कि यस समथिंग लाइक दैट आई नो, बट उसके बारे में और जानने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया हो। मैं एक छोटी सी वीडियो OSI मॉडल्स के ऊपर भी आपको लाऊंगा, जिसमें एक ब्रीफ दूंगा और पूरे डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे जो आने वाले जो मंडे से जो मेरे वीडियो आएंगे, जो लगभग हाफ एन आवर से भी ज़्यादा के होंगे, जिसमें हम डेली 50 से 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे। वो वीडियो में आपको पूरे डिटेल में सारे चीज़ों को मैं ले चलूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपके लिए एक जस्ट लाइक बेनिफिशियल साबित हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टूडेंट फरमाइश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे बहुत सारे बच्चों ने 78, 79 और 80 out of 80 मार्क्स स्कोर किए, तो उन्हें फ्री में टेस्ट सीरीज़ हमने प्रोवाइड किए हैं सर के द्वारा, एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज़ नहीं ख़रीदा है तो प्लीज़ जाओ उसे अवेल करो, और एक अच्छे मन के साथ डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन को चालू रखो, ताकि आने वाले समय में आपकी सफलता आपके कदमों को छूए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स।